जैसा कि आज मैराथन का हमारा चौथा दिन है और चौथे दिन को हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा जेट ड्रिंक और आज हम वही सीखेंगे कि जेट ड्रिंक कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए लगता है हमें एलो कॉन्सेंट्रेट और उसके साथ हमें लगता है प्रोबायोटिक, हमारा प्रोटीन पाउडर और साथ में हमारा लगता है ये फाइबर कॉम्प्लेक्स। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 1 लीटर पानी लेना है अपने को। एक दिन में हमको 2 लीटर लगता है तो 1-1 लीटर करके हम बनाएंगे। 1 लीटर पानी हमारा जो मिक्सर है हम उसमें ले लेते हैं। मैंने थोड़ा कम लिया ताकि वो बन करने के बाद पानी उड़े ना, फिर बाद में पानी मिला लेंगे उसके अंदर। अब जब हमने ये लिया है तो इसके अंदर हमें 2 स्पून अपना जो फाइबर है वो डालना, इस तरह से ये 1 और ये 2। उसके बाद इसको बंद कर दें। हमारा प्रोटीन पाउडर है, पूरा स्लाइस प्रोटीन पाउडर, इसको भी इसी तरह से हम 2 स्पून लेंगे, ये 1 और ये 2। थैंक यू। उसके बाद हमारे पास है हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट, इसका हम 2 स्पून लेंगे। एक ढक्कन में 15 ml आता है तो हमें 1 लीटर के लिए 30 ml यूज़ करना है, तो बहुत ही संभाल कर उसको इस तरह से हम फुल, आप 2 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन जनरली मैं 2 ही डालता हूँ इसलिए 2 यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह से ये हो गया 30 ml। आप अपने हिसाब से 3 भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है प्रोबायोटिक, इसमें सब सेचल्स आते हैं तो एक अपने को यूज़ करना होगा, काट दूँ तब तक हम अफ्रेश यूज़ करते हैं। 2 स्पून अपना अफ्रेश, अफ्रेश आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, जनरली लेमन अच्छा लगता है तो हम ये 1 और ये 2 डाल दीजिए। ओके, तो इस तरह से हमने उसके अंदर प्रोबायोटिक, फाइबर, प्रोटीन, एलोजेल और हमारा अफ्रेश लेमन ये डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसको मिक्सर पे रख के थोड़ी देर घुमा देंगे उसको। थोड़ा सा पानी और बढ़ाता हूँ मैं, सिर्फ इतना ख्याल रहे कि वो बाहर ना आए इसलिए धीरे धीरे पानी डालते हैं हम। बाकी का पानी मैं बिना घुमाए डाल देता हूँ ना तो ये बाहर आने का डर लग रहा है। इस तरह से 1 लीटर का बन गया है। वाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। और उसके बाद हम उसको अपने जार में निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा जेट टर्बो ड्रिंक। ये आपको 10 बजे से लेके तो 12-12:30 बजे तक 1 लीटर आपको ख़त्म करना होता है। फिर उसके बाद दोपहर में हम शेक लेंगे और शेक लेने के बाद फिर
दो बजे से हम ऐसे एक ड्रिंक बनाएंगे जो शाम तक हमें ख़त्म करना होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू। और हमारे असद भाई इसको टेस्ट करने वाले हैं अभी। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, थैंक यू थैंक यू।